इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच एक अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज चल रही है और इस टेस्ट सीरीज के दौरान टीम इंडिया के ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। क्या है पूरा मामला, वीडियो के अंत तक बने रहिए, विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए मैकाए में एक दूसरे के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेल रही है। भारत ए पहले बल्लेबाजी करने उतरी और पहली पारी में 107 रन बनाए। दूसरी पारी में जवाब देते हुए ऑस्ट्रेलिया ए ने 195 रन बनाए। फिर जब तीसरी पारी आई, भारत की दूसरी पारी आई, तो उन्होंने 312 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ए को अब चौथी पारी में इस लक्ष्य को चेज करना था। दिन चौथा जब शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 84 रनों की आवश्यकता थी। ठीक ठाक उनके पास विकेट्स भी बचे हुए थे। जब दिन का खेल शुरू ही हो रहा था, उसी समय अंपायर ने गेंद को चेंज करने का निर्णय लिया। अंपायर को लगा कि बॉल के साथ कुछ टेम्परिंग हुई है, कुछ छेड़खानी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने बॉल को चेंज करने का निर्णय लिया। अंपायर शॉन क्रेग ने बॉल को चेंज कर दिया, पुरानी गेंद की जगह नया गेंद भारतीय गेंदबाजों के हाथ में थमा दिया। ये चीज कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को थोड़ी अटपटी सी लगी। वो अंपायर के पास गए, उन्होंने कहा क्या बात है। फिर अंपायर उनसे कहते हैं कि ऐसा लगा है कि बॉल के साथ छेड़छाड़ की गई है, जानबूझकर बॉल में नाखून मारे गए हैं और इससे बॉल का शेप बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इन शॉर्ट, बॉल के साथ टेम्परिंग करने की कोशिश की गई है। इतने में सारे टीम इंडिया के खिलाड़ी वहां पे जमा हो गए और सब ने अंपायर से इस चीज का विरोध करना शुरू किया। अब किस तरीके से बॉल टेम्परिंग का आरोपी हम सबको साबित कर रहे हैं। इसी बीच ईशान किशन कुछ ज्यादा ही आक्रोशित हो गए। उन्होंने अंपायर के इस डिसीजन को बहुत ही डंबर डिसीजन कहा, यानी कि बहुत ही खराब, बहुत ही वर्स्ट डिसीजन उन्होंने करार दे दिया। इसके बाद शॉन क्रेग और ईशान किशन के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई, थोड़ी सी बातचीत भी हुई। इसके बाद शॉन क्रेग उनको बोलते हुए दिखाई दिए कि तुम्हें जो करना है करो, खेलना है खेलो। जिसके बाद दोनों टीमों के बीच मैच भी हुआ और इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ए ने जीत लिया। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी अराइज हो गई कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे, टीम इंडिया के ऊपर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा तो लगा कैसे। इस मैच की अगर हम बात करें तो टीम इंडिया के जितने भी यंग प्लेयर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दो मैचों की ये टेस्ट सीरीज है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया के जितने भी यंग प्लेयर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के नए उभरते हुए खिलाड़ी के साथ एक टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बॉल टेम्परिंग जैसे आरोप लगना भी टीम इंडिया जैसे टीम के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत शॉकिंग चीज है। लेकिन जिस तरीके से ईशान किशन ने अपना स्टैंड रखा, टीम इंडिया का स्टैंड रखा, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काबिले तारीफ चीज है। उन्होंने साफ तौर पर अंपायर को कह दिया कि हमने कोई ऐसी चीज नहीं की, तो हम आखिर बॉल चेंज करे तो करे क्यों। इस विषय पर और बात करें तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक स्टेटमेंट जारी की है और स्टेटमेंट में उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर नजर डाली है। उन्होंने कहा है कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं, ईशान किशन और अंपायर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर बॉल टेम्परिंग के जो एलिगेशंस लगाए गए, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैच शुरू होने से पहले ही जो दोनों टीम के कैप्टन्स हैं, मैनेजर हैं, उनके बीच में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी थी और ये चीज़ डिसाइड हो चुका था कि एक नए गेंद से अगले दिन खेला जाएगा। जो भी चीज़ें हुई थी उन सब को लेकर के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा श्योर दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें ईशान किशन और अंपायर के बीच जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई, इस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि रिपोर्ट किया जाएगा ईशान किशन को। कहा जा रहा था कि ईशान किशन के ऊपर काफी सारे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर कर दिया है कि ईशान किशन के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है और ये जो भी चीजें हुई हैं ये सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। जो भी बॉल टैंपरिंग के एलिगेशंस इंडिया के ऊपर लगाए जा रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। कुल मिलाकर के बात करें तो अभी तक तो ओवरऑल जो चीज़ें दिख रही हैं वो सब कुछ ठीक ही समझ आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। आज के लिए हमारे साथ इतना ही। ईशान किशन के स्टैंड पर आपका क्या कहना है आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट केसरी को।